विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी जिला भेल भोपाल की बहनों द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गाष्टमी पाठ एवं शस्त्र पूजन कर 2 किलोमीटर की शक्ति शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में दुर्गा वाहिनी की बहनें भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती सहित अनेक वीरांगनाएं की वेशभूषा में शामिल हुई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सह मंत्री मातृशक्ति सह संयोजिका श्रीमती सरोज सोनी दीदी ने कहा कि नारी अवला नहीं अब सबला है। स्वयं को आत्मनिर्भर आत्म सुरक्षा के साथ साथ हमारी बहन बेटियों की लव जिहाद से सुरक्षा करनी पड़ेगी। मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पांडे जी, समाज सेविका विभाग मातृशक्ति संयोजिका श्रीमती शम्मी हरीश, दुर्गा वाहिनी सह संयोजिका श्रीमती अदिति तिवारी, मातृशक्ति जिला संयोजिका श्रीमती प्रियंका पटेल सहित मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की सैकड़ों बहनें उपस्थित थी। कार्यक्रम की व्यवस्था में मुन्नालाल साहू, जिला मंत्री सोनू दुबे, जिला सह मंत्री धनराज राजपूत, प्रकाश ठाकुर, भगवान सिंह परमार पूरे समय उपस्थित रहे। जय श्री राम। मेरा नाम मुन्नालाल साहू है। विश्व हिंदू परिषद, इतना बड़ा कार्यक्रम आज हमारे भेल क्षेत्र में हो रहा है, वो भी महर्षि अरविंद प्रखंड। ये भेल संगम चौराहे से शुरू हुई है और कृष्णा आर्केड से होते हुए कई जगह इसका स्वागत होना है। हिंदुओं को जागृत करने के लिए वापसी इसी स्थान पे वापस आएगी। सरोज सोनी, इंदौर से हूँ मैं। अखिल भारतीय सह संयोजिका मातृशक्ति का दायित्व है। उद्देश्य हमारा ये है कि ये हमारा स्थापना दिवस है। विश्व हिंदू परिषद की जो महिला इकाई है दुर्गा वाहिनी, उसकी स्थापना दुर्गा अश्विनी शुक्ल अष्टमी के रोज दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई थी और उसी उद्देश्य को लेकर हम ये शौर्य संचलन और शक्ति यात्रा हम निकालते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं कि माँ भगवती की हम आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो कम से कम उसकी जितनी हमको शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, ताकत मिले, उससे समाज में फैली हुई विसंगतियों को दूर करना एक उद्देश्य हमारा है। मैं अन्नपूर्णा रावत भेल जिले से उपाध्यक्ष की दायित्व हूँ। आज मातृशक्ति की दुर्गा वाहिनी की हम लोग रैली निकल रही है, उसका कार्यक्रम हमारा हो रहा था और जो कि हमारी दुर्गा माता के उनके दायित्व, मतलब जो उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं कि यदि माता माँ की ममता हमारे अंदर है तो एक हाथ में अगर माँ का दायित्व निभाते हैं तो दूसरे हाथ में अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाते हैं। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और दशहरा आने वाला है तो शस्त्र पूजन भी आज हुआ है और नवरात्रि में दुर्गा जी के जी हाँ तलवार चलाना, शस्त्र पूजन हुआ है, तलवार चलाना और शस्त्र सिखाना ये सब काम हमारा हुआ है और हमारा जो भी है ये अभी यहाँ से शुरू होके भेल उधर तक जाएगी।